चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपने बेटे गोलू को लेकर बैठी हुई थी। मेरे बेटे सुरक्षित हो ना, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बचा हुआ हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी, आपके पंख भीग गए हैं। गोलू बेटा, एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी सर्दी धूप छांव और बारिश में अपने बच्चों की रक्षा करे। सुंदरी को भी उड़ती हुई टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। सुंदरी बहन, मगर मेरी तो छोटा सा बेटा है, मैं कैसे अपने बेटे को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? इसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता। टुनटुनी चिड़िया, मुझे तोते और कबूतर ने भेजा है कि तुम्हें बताऊं, आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सुंदरी को भी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में मर जाएंगे? सब चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे मम्मा? बेटा चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपने बेटे के ऊपर रखती है। बेटा यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं केले का बड़ा पत्ता लेकर अभी आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से पत्ता लेकर उसे बीच में से चीरती है। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि केले के पेड़ के पत्ते से टोकरी कैसे बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया घास की मदद से टोकरी की सिलाई करती है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। उठो मेरे बेटे, इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता होता तो आपको ये सब न करना पड़ता। बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटे हो। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को टोकरी में बिठाकर उसे बड़े पेड़ की तरफ ले जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, किसी ने ये ना सोचा कि मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी। चलो बेटा, इन दिनों सब नदी पार वाले जंगल की तरफ जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले के पत्तों से बनी टोकरी उठाती है और फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर टुनटुनी चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अभी टुनटुनी चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाता है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे नदी पार वाले जंगल जा रही हूँ। चले गए वो सब, तुम अकेली को मेरे खाने के लिए छोड़कर चले गए सब। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे समझदारी से काम लेना होगा। टुनटुनी चिड़िया चील से कहती है, चील जी, आप मुझे अकेले खाओगे या फिर मेरे बेटे के साथ ही खाओगे? दोनों को खाऊंगा, पेट से मेरा क्या बनेगा, दोनों को खाऊंगा तो फिर ही मेरा पेट बनेगा। तो फिर थोड़ी देर रुके, मैं अपने बेटे को भी ले आती हूँ, मेरा बेटा अकेला क्या करेगा, आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचता है, अगर एक नरम नरम पक्षी और मिल जाए तो अपनी पत्नी को भी बुला लूंगा, बड़ी दावत हो जाएगी ऐसी बारिश में। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम जल्दी से अपने बेटे को भी ले आओ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया फिर से उड़ जाती है, वो अपने बेटे को उस टोकरी में ऐसे उठाए जा रही थी जैसे हवाई मोटर। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ का खोकर दिखाई देता है और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर पेड़ के खोकर में छुप जाती है। मम्मा, क्या वो चील अब हमारे पीछे आएगा? हाँ बेटा, वो चील हमारा पीछा कर रहा होगा, इतनी आसानी से वो हम पक्षियों का विश्वास नहीं करते। तभी वो चील उनके पीछे पीछे आ जाता है। कहाँ गई वो चिड़िया, यहाँ तक तो आई थी, वो चिड़िया अब कहाँ गई? चील टुनटुनी चिड़िया को इधर उधर देखता है। लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है, अगर मैं लालच ना करता तो चिड़िया का शोरबा पक्का था। ये कहकर चील वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। गोलू बेटा, अब मैं भी थक गई हूँ, हम दोनों आज रात इसी पेड़ की खोकर में गुजार लेते हैं और सुबह आगे का सफर पर निकलेंगे।
पेड़ के नीचे टुनटुनी चिड़िया को एक चावल का पौधा दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया चावल के उस पौधे से चावल के दाने तोड़ती है और छील के उतार कर अपने बेटे को खिलाती है। मम्मा आप दिखा ले। बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, आप खा लो। टुनटुनी चिड़िया को तभी एक आवाज सुनाई देती है। चुप कोयल बेटा, चुप हो जाओ, सांप, ये आवाज तो सांप की लगती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने बेटे को उठाकर दूसरे पेड़ में छुप जाती है। कोई तो था, मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर मेरी किस्मत में आज मांस नहीं है, शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, चुप चुप कर जाओ बेटा। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर डरी हुई बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो सांप पेड़ के खोखर में चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। उस रात वो माँ बेटे पेड़ की डाल पर बैठकर ही गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बेटे को केले के पत्तों की टोकरी में लेकर वो फिर से उड़ जाती है। आखिर थक हार कर टुनटुनी चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वो आ गई, देखो तोते। मुझे तो टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। सुंदरियो तोते भाई, मैं भी पहुँच ही गई, मगर तुम सबने मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे बहुत दुख हुआ। टुनटुनी चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम जल्दी से वहाँ से निकल आए। अच्छे दोस्त कभी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। तोते भैया, मगर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को माफ करती हूँ। फिर वो सब पक्षियों को माफ कर देती है और वो सब एक साथ उस जंगल में अपने घोंसले बनाकर खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। कश्मीर में टुनटुनी चिड़िया अपने पति हरिया किसान के साथ रहती थी। उसके दो बच्चे थे, बेटे का नाम कालू और बेटी का नाम टोनी था। हरिया तोता अपने खेतों में केले उगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार हरिया किसान के खेत में केले की अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देख कर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, शायद भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी के भी केले की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया तोता जब केले की फसल बेचने शहर जाने लगता है, तब टूनी उससे कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं वही लाऊंगा। पापा आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेते आना। और मेरे लिए चाबी वाला बंदर लाना, ठीक है? ठीक है, अब तुम लोग अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। हरिया तोता खुशी खुशी अपनी केले की फसल लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में केले की कीमत तो बहुत कम है, इतने कम पैसों में हमारा लागत भी नहीं निकलेगा, खाद पानी और हमारी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल रहा। हरिया बिना अपने केले बेचे हुए वापस सारे केले की फसल लेकर घर आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी, आप तो शहर केले बेचने गए थे, लेकिन आपने केले को बेचा क्यों नहीं? हरिया तोता दुखी मन से सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सारे केले को एक कमरे में रख दो, अब से हम लोग इन्हीं केले को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केले खाकर अपने दिन काटने लगी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को केले खाने को देती है तो टूनी कहती है, क्या माँ तुम हर दिन हमें केले खाने को देती हो? मुझे आज इन केलों को नहीं खाना, मुझे तो तुम्हारे हाथ की बने हुए केले के चिप्स खाने हैं।
हाँ माँ, मैं भी केला चिप्स ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूँगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम लोगों के लिए केले के चिप्स ही बनाऊंगी, आप खुश? दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले चिप्स बनाने के लिए जाती है। ये क्या, तेल का डब्बा तो बिल्कुल ही खाली है, इसमें तो तेल है ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं बिना तेल के तवे पर सेक देती हूँ। फिर टुनटुनी केले को बारीक काट कर चिप्स बनाती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद केला चिप्स तैयार है। दोनों बच्चे केला चिप्स खाते हैं। माँ, आज के केला चिप्स तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। टुनटुनी भी केला चिप्स खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले की इतनी स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। वाकई ये चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ही केले का चिप्स बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और केले चिप्स बेचकर हम लोग अमीर हो जाए। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया केला चिप्स बनाकर बेचने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर कुछ पक्षी केले चिप्स खाने के लिए आते हैं। इससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया जी, ये केले की फसल हमारे बहुत काम आई। अब तो हर सीजन में आप खेत में केवल केले ही उगाइएगा। हमें मंडी में ले जाकर केले की फसल बेचने की कोई चिंता नहीं। ये लो कुछ पैसे और दोनों बच्चों को ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। इस साल हरिया किसान अपने खेत में केला उगाता है और टुनटुनी चिड़िया केले से बनी हुई चिप्स बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगी। नदी के किनारे कुछ छोटे गांव बसे थे। वहां हर दिन बाजार लगता था, जहां पर पंछियों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं गांव में से एक गांव चंदनपुर भी था, जहां टुन्नू नाम का एक चिड़ा अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। पर कुछ दिनों से टुन्नू बहुत परेशान था, उसका ढाबा चल नहीं रहा था। टुनटुनी, हम रोजाना ढाबे पर मेहनत से खाना बनाते हैं, पर हमारे ढाबे पर अब आमदनी बहुत कम हो गई है। पता नहीं चंदनपुर गांव के ज्यादातर पक्षी शहर जाकर बस रहे हैं। अब भगवान जाने हमारा ये ढाबे का काम कब तक चलेगा। चिंता मुझे भी हो रही है। आगे पिंकी की शादी करनी है। बंटी बेटा भी कह रहा था आगे की पढ़ाई वो शहर जाकर करना चाहता है। वो इस बारे में बात कर रहा था। टुन्नू टुनटुनी की सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है। वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ और बापू कितने परेशान हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाए। वो बेचारे चिंता में कितने परेशान रहने लगे हैं। हमारा ढाबा बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। बंटी अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि वहाँ नदी के किनारे एक बूढ़ा तोता अपनी नाव पर बैठा हुआ उससे पूछता है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। बंटी उस बूढ़े तोते को अपना सारा दुख बताता है, जिसे सुनकर बूढ़ा तोता उससे कहता है। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम आमदनी कर सकते हो। क्या तरीका है बाबा। देखो बेटा, तुम और तुम्हारे पिता अगर नाव में खाना बनाकर आसपास के गांव में जा जाकर बेचो तो तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि आसपास के सभी गांव में रोजाना बाजार लगता है और अच्छी खासी भीड़ रहती है। पर बाबा, हमारे पास नाव कहाँ से आएगी, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नाव खरीद सकें। नाव की चिंता तुम मत करो, मेरे पास ये नाव है, इस पर ढाबा खोलकर तुम मुझे इसका किराया दे दिया करो। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नाव नहीं चला पाता, ये तुम्हारे काम आ जाएगी। तुम्हें ये नाव देकर मुझे किराया मिलता रहेगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बाबा, मैं अभी जाकर अपने बापू से इस बारे में बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी घर आता है और अपने पिता से इस बारे में बात करता है। बात तो सही है, पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा, हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, मेहनत तो बहुत लगेगी। मुझे बंटी का तैरते हुए ढाबे का उपाय अच्छा लग रहा है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। हमें बंटी बेटा की बात को मान लेना चाहिए। बापू, वैसे भी तो हमारा ढाबा चल नहीं रहा, एक बार ये भी करके देख लेते हैं, शायद भगवान की कृपा से हमारा नाव पर बना ढाबा चल पड़े। ठीक है, सब अगर यही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। बंटी बेटा, तू मेरे साथ बाजार चल, हम नाव के ऊपर ढाबा बनाने का कुछ जरूरी सामान खरीद लाते हैं। टुन्नू और
उसका परिवार मिलकर नाव पर ढाबा तैयार करते हैं। टुनटुनी और पिंकी तरह तरह के भोजन बनाकर तैयार करती हैं और सब कुछ उस बूढ़े तोता की नाव पर रख देते हैं। फिर वो एक गांव में खाना लेकर पहुंचते हैं। गांव के बाजार में पक्षी घूम रहे थे। नदी किनारे नाव पर बना ढाबा देखकर पक्षी हैरान रह जाते हैं और वहां आकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, नाव पर ढाबा, ये तो बहुत बढ़िया और साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। भाई वैसे क्या क्या है खाने के लिए इस तैरते हुए ढाबे पर? हाँ, पनीर, बटर मसाला, मटर पनीर, पालक पनीर, रायता, दाल तड़का, दाल मखनी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे ढाबे पर, और वो भी सस्ते दामों पर गर्मा गर्म। हमारे ढाबे की स्पेशल थाली खाइए, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। लाओ भाई लाओ, फिर तो दो थाली हमारी भी लगा दो भाई। टुन्नु के ढाबे का खाना खाकर सचमुच ग्राहक बहुत खुश हुए। टुन्नु उसके बाद दूसरे गांव के लिए अपनी नाव लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम तक वो अपनी नाव को लेकर अलग अलग गांव में गया और उसने वहां अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बेचा। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। टुन्टुनी, सचमुच आज हमें 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गांव में बनी हमारी होटल पर तो हफ्ते भर में भी इतनी कमाई नहीं होती थी। ये सब मेरे प्यारे बेटे बंटी के कारण ही हुआ है। हाँ बेटा बंटी, अब हम नाव पर ही खाना बनाकर बेचेंगे। बापू, आप ही तो कहते हो कड़ी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हमें रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम और आमदनी कर सकें। वैसे भला हूँ बूढ़े बाबा का, उन्होंने हमारी इतनी सहायता की। आप एक काम करो, बंटी के साथ जाकर आज उन्हें किराया दे आओ। ठीक है टुनटुनी, तुम पिंकी के साथ घर जाओ, तब तक मैं उन बाबा को किराया देकर आता हूँ। बंटी टुन्नु के साथ उन बूढ़े बाबा को किराया देने चला जाता है। एक दिन उन्हीं के गांव में रहने वाला कालू नाम का एक कौवा टुन्नु की सफलता से चलता था। एक दिन टुन्नु जब बूढ़े तोता को किराया देकर आ रहा था, कालू से देख लेता है। टुन्नु इतना खुश कैसे हो सकता है? यह मेरे से अमीर हो सकता है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे इस टुन्नु का कुछ करना ही होगा। एक दिन टुन्नु के जाने के बाद कालू उस बूढ़े तोता के पास गया और उनसे बोला, मैंने देखा है कि टुन्नु तुम्हें इस नाव का किराया बहुत कम देता है। अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दुगना किराया दे सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो तो कल सुबह आना और मेरी नाव ले जाना। अगले दिन, क्या बात है, यहाँ सबने भीड़ क्यों लगा रखी है? लाओ बाबा, मुझे अपनी नाव दे दो, मैं टुन्नु से ज्यादा किराया लेकर आया हूँ। अब तो आप सबको सबूत मिल गया, ये कालू कितना बेईमान है। हमारे गांव में रहकर ऐसे बेईमान पक्षी दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है ऐसे बेईमान लोग हमारे गांव में होने चाहिए? क्या रे कालू, किसी की सफलता पर जलना क्या अच्छी बात है? है? तेरे जैसे कौओं को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी इस गांव से भाग जा, या फिर इस गांव में रहना है तो सुधर जा, वरना अपने नौकरों से कहकर तुझे इस गांव से दूर फेंकवा दूंगा, समझा? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। टुन्नु, मुझे माफ कर दो भाई, है मेरे से गलती हो गई थी। अगर आप इस गांव से मुझे निकाल दोगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं आज के बाद टुन्नु को कभी तंग नहीं करूंगा। कालू सबसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद टुन्नु और टुनटुनी को वो कभी भी तंग नहीं करता। विलासपुर के गाँव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, तभी से उसके पिता ने उसकी देखभाल की। टुनटुनी के पिता टुन्नु चुड़ा विलासपुर में रंगीन पानीपुरी के नाम से मशहूर थे। उनकी बनाई रंगीन पानीपुरी विलासपुर और आसपास के जंगल में बहुत मशहूर थी। एक दिन, बाबा लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ, आप तब तक नाश्ता कर लो। बिटिया, हींग वाला और पुदीने वाला पानी आज मैंने ज्यादा बनाया है। कुछ पक्षी पुदीने वाला और हींग वाला पानी बहुत पसंद करते हैं। कल दूसरे जंगल से कुछ पक्षी पानी पूरी खाने आए थे तो पानी कम पड़ गया था। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि मैं रंगीन पानी पूरी बनाता हूँ। बिटिया, काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। चल, अब मैंने रोटी खा ली है। ठीक है बाबा, मैं शाम की चाय बनाकर ले आऊंगी। टुन्नु चुड़ा रोजाना ही अपना रंगीन पानी पूरी का ठेला लेकर गांव के चौक पर खड़ा होता था। बस ठेला लगाकर खड़े होने की देर होती थी कि पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। अरे भैया, मुझे मीठी पानी पूरी खिलाना, और हाँ, लाल, हरी, पीली, नीली, हर स्वाद की पानी पूरी खिला दो भैया।
अरे टूनी चलना रंगीन पानी पूरी खाते हैं। अरे टुन्नू जी हम दोनों को खट्टी पानी पूरी खिलाना। टुन्नू जी मैं जब भी आपके यहाँ आती हूँ ये रंगीन पानी पूरी जरूर खाकर जाती हूँ। टुन्नू चुड़ा सबको पानी पूरी खिला ही रहा था कि तभी उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया चाय लेकर आ जाती है। बाबा आप बैठकर चाय पी लो, तब तक मैं ग्राहकों को देख लेती हूँ। ठीक है बेटिया, सबको बराबर मात्रा में ही पानी पूरी खिलाना, किसी को कम ना रह जाए। पानी पूरी की प्लेट कितने की है? जी 10 रुपए की है। अरे ऐसी रंगीन पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी, ये तो बहुत ही अलग है। लाल नीली हरी पीली ये रंगीन पानी पूरी तो दिखने में भी बहुत कमाल की है। अरे वाह ये तो स्वाद में भी बहुत बढ़िया है, मुझे एक प्लेट और दीजिएगा। टुनटुनी चिड़िया उस कौवे को 2 प्लेट पानी पूरी खिला देती है। इतनी देर में टुन्नू चिड़ा भी चाय पी कर ठेले पर वापस आ जाता है। बाबा इन्हें पानी पूरी खिला दी है, आप इनसे 20 रुपए ले लो, मैं घर चलती हूँ, शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है बिटिया तू घर जा और ध्यान से जाना। अच्छा तो ये पानी पूरी का ठेला आपका है? आपकी रंगीन पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोजाना ही आपके ठेले पर पानी पूरी खाने आऊं। वैसे मैं इस गांव में नया आया हूं, मेरा नाम कालू है, मैं यहां पर काम की तलाश में आया हूं। अगर आपकी नज़र में कोई काम है तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है कालू बेटा, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले दिन कालू कौआ दोबारा टुन्नू चुड़ा के ठेले पर आता है। नमस्ते, आपने कहीं मेरे लिए बात की थी? अब बेटा मुझे ठेले से फुर्सत ही नहीं मिल पाई, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा पर जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे ठेले पर ही काम कर सकते हो। कालू कौवा टुन्नू चुड़ा के ठेले पर काम करने लगता है। टुन्नू चुड़ा कालू कौवे को रंगीन पानी पूरी बनाना सिखा देता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टुन्नू चुड़ा की तबीयत काफी खराब हो जाती है, तभी टुन्नू चुड़ा कालू कौवे से कहता है। बेटा अब मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा, बेटा मेरी टुनटुनी से विवाह कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। बोलो बेटा क्या तुम मेरी बेटी टुनटुनी का हाथ थामोगे? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुन्नू चुड़ा मरते समय अपनी बेटी टुनटुनी का हाथ कालू कौवे के हाथ में दे जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा शादी कर लेते हैं। अब कालू कौवा बिल्कुल उसी तरह के बढ़िया स्वाद के रंगीन पानी पूरी बनाने लगता है। कालू कौवे की कमाई बहुत ही अच्छी होती है, ये देख कर कालू के मन में लालच आ जाता है। एक दिन वो घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ आप कुछ सोच रहे हो? हाँ टुनटुनी मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई तो अच्छी खासी है, बाबूजी ने रंगीन पानी पूरी बेचकर खूब नाम कमाया है, लोग हमारे ठेले की पानी पूरी नाम से जानते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि इस ठेले से हम लागत कम लगाकर भी कमाई ज्यादा कर सकते हैं। अब तक हम थोड़े थोड़े पैसों से गुजारा कर रहे थे, हमें बड़ा हाथ मारना होगा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देखो टुनटुनी हम अपनी रंगीन पानी पूरी के लिए आटा बहुत महंगा लेते हैं, सबसे पहले तो हमें सस्ता आटा खरीदना होगा, उसके अलावा हम पानी में मसाले ज्यादा की जगह कम डालना शुरू करेंगे और पानी पूरी को तलने के लिए ज्यादा बढ़िया तेल खरीदने की भी जरूरत नहीं है, हम सस्ते तेल से भी बढ़िया पानी पूरी तैयार कर सकते हैं। ग्राहक को तो सिर्फ रंगीन पानी पूरी खाने से मतलब है, देखने में रंगीन हो बस। पर ये तो बेईमानी हुई ना, इतना लालच ठीक नहीं। बाबा कहा करते थे ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता देता है, पर आप अपने मन में लालच और बेईमानी ला रहे हो, गलत है। अरे तुम दोनों बाप बेटी ने व्यापार करना ही नहीं सीखा, तभी तो आज तक इस टूटे हुए घर में रह रहे हो और ना कुछ तुमने पैसा जोड़ा, दुनिया को देखो बेईमानी करके आगे बढ़ रही है। कालू टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता, वो रंगीन पानी पूरी में मिलावट करनी शुरू कर देता है। आठू भैया ये वो पानी पूरी नहीं लग रही है जो हम हमेशा से खाते आए हैं, ये तो बहुत बेस्वादी है, रहने दो भैया और मत दो, सारा मुंह खराब हो गया। कालू कौवे के ठेले पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था, धीरे धीरे उसकी कमाई होनी बंद हो गई, वो बहुत ही निराश हो गया। कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने लालच किया था। अब मुझसे गलती हो गई टुनटुनी, मैंने बापूजी के हाथों कमाई गई प्रसिद्धि को मिट्टी में मिला दिया, अब मेरे ठेले पर कोई भी रंगीन पानी पूरी खाने नहीं आता, मुझे लालच का फल मिल गया और अब मैं क्या करूं? आप फिर से वही पानी पूरी बनाना शुरू करो जैसी बाबा आपको सिखा कर गए थे। क्या तुम्हें लगता है ग्राहक फिर से मेरे ठेले पर पानी पूरी खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आप वही सस्ती 10 रुपए की प्लेट बेचना, देखना ग्राहक फिर से हमारे ठेले पर लौट आएंगे।
कालू ने वैसा ही किया। उसने फिर से वैसे ही पानी पूरी बनानी शुरू की जैसी उसने टुन्नू चुड़ा से सीखी थी, और फिर से एक बार टुन्नू का बनाया रंगीन पानी पूरी का ठेला चलने लगा। और अब कालू भी अपने मन से लालच और बेईमानी हटाकर मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी।